मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस एक सर्कस है। राहुल गांधी की मानसिक आयु 4 साल के बच्चे की तरह है। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद से ही सियासी पारा चढ़ गया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सियासी बवंडर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि शिवराज ने एमपी की कमलनाथ सरकार को सर्कस करार दे दिया। यहाँ भी सत्ता में भागीदारी की होड़ा होड़ी मची हुई है, कौन के पास क्या आ रहा है और नहीं आ रहा तो फिर काहे की कांग्रेस अलग अलग दरबार लग रहे हैं। किसी का दरबार किसी के मंत्री के घर सजता है, किसी का कार्यालय में लगता है और कोई कहता है कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, एक कहता उतर जाओ, कौन मना कर रहा है। अब ये सब कुछ सर्कस में ही देखते थे हम, और इसलिए ऐसी दुर्दशा कांग्रेस की होगी। मध्य प्रदेश को इन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। मुझे कांग्रेस की दुर्गति हो रही है इसकी चिंता नहीं है, वो फिक्र करें, लेकिन उस चक्कर में एक दूसरे को ठिकाने लगाने के चक्कर में प्रदेश ठिकाने लग गया। शिवराज के बयानों का प्रहार यही नहीं रुका, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दिमाग 4 साल के बच्चे की तरह बता दिया। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अब दिल्ली में भी खींचातान मची है। कोई कह रहा राहुल ही अध्यक्ष होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं अब बदल दो, परिवारवाद वंशवाद समाप्त होना चाहिए। और राहुल भैया की स्थिति यह है कि वो बिना बताए देश के बाहर कहाँ जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं है, और अध्यक्ष ऐसे हैं कि जिनको अध्यक्ष ऐसे थे मतलब जब अध्यक्ष थे और अब अध्यक्ष नहीं है तब पूर्व अध्यक्ष, कि वो भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं उनके बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि डंडे से पीटेंगे। अब हम तो यही मानते हैं कि या तो उनकी मानसिक आयु 4 साल की है या फिर वो ऐसी कोई चीज़ खाते हैं कि जिसके बाद उनको हौसला ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं। अब जब दिल्ली में पार्टी का ये हाल है। पूर्व सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश सरकार को सर्कस बताया तो बिना देर किए कांग्रेस सरकार के मंत्री उनके खिलाफ आ खड़े हुए। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया सर्कस के हीरो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार पर सवाल उठाने वाले नेता सर्कस के जोकर हैं। शिवराज जी ये भी कहना कि ये सर्कस है, ये भी कहना चाहिए तो ये सिंधिया जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, ये सब सर्कस के हीरो हैं और जो ये सवाल उठा रहे हैं उसके जोकर हैं। बहरहाल कांग्रेस के अंदर दिग्गज नेताओं के बीच मतभेद को लेकर इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा गरम है, लेकिन अब नेताओं के बीच एक दूसरे को सर्कस और उसके किरदारों को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। साफ है कि आने वाले दिनों में ये मामला और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।